फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी में। आज 14 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह में किया जाएगा। तो दोस्तों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन लद्दाख की राजधानी लेह में किया जाएगा और हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और इस बार छठा योग दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया को योग के विभिन्न लाभों के बारे में जागरूक करना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च को मनाया गया है। दोस्तों, विश्व किडनी दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और यह विश्व भर में किडनी रोग और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए, स्वास्थ्य में किडनी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक जागरूकता अभियान है। विश्व में 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किडनी रोग से प्रभावित है। इस साल वर्ल्ड किडनी डे की थीम है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। तो महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम लोग देखते हैं जो मार्च के मंथ में हम लोग मनाए हैं और मनाएंगे। तो 3 मार्च को दो दिवस मनाए गए, वो थे विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व हेरिंग दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाएगा और 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाएगा और 21 मार्च की बात करें तो विश्व वन दिवस मनाया जाएगा और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाएगा और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे BSF के महानिदेशक DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इन चार ऑप्शनों को देखना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरजीत सिंह देशवाल को BSF के महानिदेशक और DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो BSF यहाँ पे आया, तो BSF के बारे में हम लोग देख लें। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हिंदी में इसका अनुवाद होता है सीमा सुरक्षा बल, और इसकी मोटो जो है BSF की वो है जीवन प्रयत्न कर्तव्य। तो इसकी स्थापना देखते हैं BSF की। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और मुख्यालय जो है इसका BSF का वो नई दिल्ली में है और महानिरीक्षक जो है अभिनव कुमार हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान में भी डिजिटल हूँ शुरू किया है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान में भी डिजिटल हूँ शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। दोस्तों, इस अभियान का मकसद है राज्य के सभी वर्गों को डिजिटल माध्यमों की जानकारी देना, जिससे यह सरकार द्वारा दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें और बढ़ते साइबर अपराध से बचाव को लेकर जनता को जागरूक किया जा सके। तो यहाँ पे केरल राज्य आया दोस्तों। तो केरल राज्य के बारे में अगर हम देखें तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री जो है केरल के पिनराई विजयन है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं, और केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं एस मणिक कुमार हैं, और केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक, और केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 144 सीटें हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने
महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, इन चार आसनों को देखना है और सही आसन का चयन करना है। और आपको बताना है कि ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 100% क्रिकेट। तो ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 100% क्रिकेट नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे दोस्तों ICC आया, तो ICC के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व में क्रिकेट मैच जो होता है ICC ही रेगुलेट करता है, और ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हिंदी में अनुवाद होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसकी स्थापना ICC की स्थापना जो हुई थी वो 15 जून 1909 को हुई थी, और मुख्यालय जो है ICC का वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, और CEO जो हैं वो मनु साहनी हैं, और अध्यक्ष जो हैं शशांक मनोहर हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, फोन पे ने UPI लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आपको दोस्तों बताना है कि फोन पे ने यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक के साथ की है साझेदारी। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो फोन पे ने अपने ग्राहकों को UPI लेन देन की सुविधा देने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है, और इससे पहले फोन पे ने यस बैंक के साथ ग्राहकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक पर अस्थायी बैन लगाने के कारण फोन पे की UPI लेन देन सुविधा बाधित हो गई थी। तो UPI यहाँ पे है, तो UPI के बारे में देखते हैं। तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान और अंतरा पृष्ठ। तो UPI की मदद से हम कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ICICI बैंक आया, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय ICICI बैंक का मुंबई में है, और MD जो CEO हैं इसके संदीप बख्शी हैं ICICI बैंक के। तो दोस्तों यहाँ पे सातवां प्रश्न देख लेते हैं। तो सातवां प्रश्न है, किसने जॉय बंगला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसने जॉय बंगला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी देख लें अगर हम लोग, तो बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने जॉय बंगला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित कर दिया है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। और बांग्लादेश यहाँ पे आया, तो बांग्लादेश के बारे में अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है, और यहाँ की बांग्लादेश की राजधानी है ढाका है, और प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश के शेख हसीना, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल हामिद हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई जो है 4096 किलोमीटर है, और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, और पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर्स के क्रियान्वयन की मंजूरी दी है? तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर्स के क्रियान्वयन की मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सरकार ने। तो दोस्तों हैप्पी आवर्स दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा, और इनमें जो ऑटो रिक्शा का किराया है वो 15% तक कम कर दिया जाएगा। और यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य आया, तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में देखें तो इसकी राजधानी जो है मुंबई है, और मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं, जो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। और गवर्नर की बात अगर करें हम महाराष्ट्र के, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का नाम जो है मुंबई उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश जो है प्रदीप नंदराजोग हैं। और महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, और राज्यसभा में 19 सीटें हैं, और विधानसभा में 288 सीटें हैं। और यहाँ पे बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो भाभा परमाणु अनुसंधान के केंद्र BARC का मुख्यालय जो है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BSE, इन सभी का मुख्यालय जो है मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की बात करें BCCI का, तो मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिगी पिवोट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो आपको बताना है कि महिलाओं की कौशल विकास के लिए डिगी पिवोट कार्यक्रम किसने शुरू किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल इंडिया ने शुरुआत किया है। दोस्तों, ये कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए आरंभ किया गया है जो जॉब करते हुए अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग पर शिफ्ट करने की योजना बना रही होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों गूगल आया, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में 8 से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो दोस्तों आपको बताना है किस राज्य में 8 से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। दोस्तों, इन पोषण अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और इसका मेन टारगेट पोषण अभियान में महिलाओं के साथ पुरुषों की भागीदारी को भी बढ़ाना है। यहाँ पे नागालैंड है, तो नागालैंड की अगर बारे में बात हम करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मुख्यमंत्री जो है नागालैंड के नेफिरियो हैं, जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं, और गवर्नर जो है आरएन रवि हैं। और स्थापना जो हुई थी नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। और नागालैंड उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश जो हैं यहाँ के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अजय लांबा हैं। और नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, वह हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। और नागालैंड की लोकसभा में सीटें 1 हैं और राज्यसभा में सीटें 1 है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो गूगल पर सबसे अधिक सर्च की जाने वाली महिला कौन बनी है? तो आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा टेलर स्विफ्ट हैं गूगल पर सबसे अधिक सर्च की जाने वाली महिला। तो यहाँ पे टेलर स्विफ्ट के बारे में अगर बात करें तो एक म्यूजिक कैटेगरी में सबसे अधिक सर्च की जाने वाली महिला हैं बनी है। और टेलर स्विफ्ट संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट की हैं। और यहाँ पे गूगल आया, तो गूगल के बारे में अगर हम बात करें तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है और स्थापना जो है सितंबर 1998 में हुई थी और मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया USA में, और संस्थापक जो है सर्गेई बिन और लैरी पेज हैं। और CEO की बात करें अगर गूगल के, तो सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, हाल ही में WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को, गौरव गुप्ता और बैजू रविंद्रन को WEF की यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है। तो गौरव गुप्ता जोमेटो के संस्थापक हैं और बायूजीस रविंद्रन बैजूस के संस्थापक हैं। और WEF का फुल फॉर्म अगर हम लोग देख लें तो WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, होता है विश्व आर्थिक मंच। और इसकी स्थापना विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो हुई थी जनवरी 1971 में हुई थी और मुख्यालय जो है जिनेवा कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष की बात करें अगर WEF के, तो ये क्लाउस स्काउब हैं। तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का लास्ट प्रश्न है, किसने कोरोना वायरस COVID-19 को एक महामारी घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा WHO, ऑप्शन नंबर ए। चीन के वुहान में फैले कोरोना वायरस को COVID-19 नाम दिया गया है। और ऐसे बीमारी जो बहुत तेज़ी से फैलती है और वो बहुत सारे देशों में फैल जाती है, उसे महामारी घोषित किया जाता है। तो WHO यहाँ पे आया, तो WHO के बारे में अगर देख लें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना जो थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष जो है ट्रेड्रोस एड्रेनाम है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का पहला रिवीजन में है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह में किया जाएगा। तो अगला देखते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया? तो 12 मार्च को मनाया गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में BSF के महानिदेशक DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया किसको? तो सुरजीत सिंह देसवाल को दिया गया। तो किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान में भी डिजिटल शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार ने शुरू किया है। तो हाल ही में ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 100% क्रिकेट की शुरुआत की है। तो अगला है,
फोन पे ने यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। तो अगला है, किसने जय बंगला को बांग्लादेश की राष्ट्रीय नारा घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय ने। तो अगला है, किस राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी अर्स के क्रियान्वयन की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार। तो अगला है, महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिग्री पीरियड के कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल इंडिया ने। तो अगला देख लेते हैं, तो किस राज्य में 8 से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो गूगल पर सबसे अधिक सर्च की जाने वाली महिला कौन बनी है? तो टेलर स्विफ्ट बनी है। तो अगला देखते हैं, तो हाल ही में WEFN ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, गौरव गुप्ता और बायजूस रविंद्रन को। तो आज का लास्ट प्रश्न है, किसने कोरोना वायरस को COVID-19 को एक महामारी घोषित किया है? तो WHO ने किया है, इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका अपना चैनल DS Academy आपका हमेशा स्वागत करता है और करता रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।